छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर, एग्जाम पैटर्न बदल गया है। जी हाँ, जरूरी जानकारी इस खबर में देखिए। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर निकल कर सामने आ रही है। अगर आप 2025-26 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र हैं तो ये खबर आपके लिए है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है सभी छात्र छात्राओं के लिए। आप भारत के जिस भी राज्य व शहर से बिलोंग करने वाले छात्र हो, इन छात्रों के लिए सरकार ने बहुत ही बड़ी और अहम फैसले का ऐलान कर दिया है। इन छात्रों के लिए 3 कड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए अभी से ही तैयारियां तेज कर दी है। CBSE ने भी अपने पैटर्न जारी कर दिया है, जिसके तहत महत्वपूर्ण बदलाव व अहम जानकारियां निकल कर सामने आ रही है, जिसको जान लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा, अन्यथा आपको पछताना भी पड़ सकता है, जिसकी संपूर्ण जानकारी व अपडेट आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप अपने बोर्ड और राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में आप किस क्लास में 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़ी हुई कोई भी खबर निकल कर सामने आए तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो देखिए, इस छोटी सी रिपोर्ट में बड़ी खबर, सरकार ने बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं के लिए तैयारियां तेज कर दी है, और साथ में ये घोषणा कर दी कि इस बार सभी छात्रों को प्रमोट करके पास कर दिया जाएगा और ज्यादातर परीक्षार्थियों को टॉपर बनाया जाएगा, यानी 95% मार्क्स दिए जाएंगे और 4-5% परीक्षार्थियों को ही फेल किया जाएगा, ताकि आगे किसी भी छात्र को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और पहले से ही बोर्ड ने इस पर बदलाव करने भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें 3 कड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले सरकार ने यह कह दिया है कि छात्रों की परीक्षा से पहले ही एक ब्लूप्रिंट पेपर जारी कर दिया जाएगा, जिससे छात्रों को कितने पार्ट से और कहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं इसकी संपूर्ण जानकारी ब्लूप्रिंट पेपर में दी होगी, ताकि आपको पढ़ाई करने में और भी ज्यादा सिंपल वे में आप तैयारी कर पाए। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कह दिया है कि देश भर में एनसीईआरटी पैटर्न लागू है, पेपर में पूरा सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न से ही रखा जाएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर आने के कोई भी चांसेस नहीं है, इसलिए सभी छात्र छात्राओं को गेस पेपर, मॉडल पेपर और अनसॉल्व पेपर से ही तैयारी करनी है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अंक स्कोर कर पाए। साथ में किसी भी परीक्षार्थी की बेहतर हैंड राइटिंग और वो बहुत ही साफ सुथरे ढंग से, जैसे क्वेश्चन लिखने का आंसर देने का एक ढंग होता है, और बेहतरीन ढंग से कॉपी को लिखता है, तो उसको 3 विषयों में एक्स्ट्रा बोनस अंक देकर भी पास किया जाएगा, यानी कि सभी छात्र छात्राओं को टॉपर बनाया जाएगा और जो 4-5% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं उनको प्रमोट करके पास करने का भी निर्देश इस बार जारी किया गया है।